नमस्कार साथियों, आज अपने तरबूज की फसल में देसी नीम तेल का स्प्रे करने जा रहे हैं। तो देसी नीम का तेल होता है बहुत अच्छा कीटनाशक, फंगिसाइड, साथ साथ ग्रोथ मोटर भी काम करता है। इसके प्रयोग करने से आपके फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीट दूर होते हैं, साथ साथ फंगिसाइड के भी काम करता है, थोड़ा बहुत ग्रोथ मोटर का भी काम करता है। जानेंगे आज के वीडियो में नीम तेल के बारे में कि नीम तेल क्या होता है, इसके लाभ क्या है, इसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए और इसको कैसे प्रयोग करना है। तो आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल, आज हम जानेंगे नीम तेल के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नीम का तेल होता है, नीम के फल की पिराई करके लिक्विड मटेरियल जो निकलता है उसे नीम का तेल कहते हैं। जो सॉलिड मटेरियल निकलता है, ठोस मटेरियल निकलता है, उसे नीम की खली कहते हैं। जो नीम का तेल होता है उसमें कीटनाशक के गुण होते हैं, फंगिसाइड के गुण होते हैं, इस कारण इसका उपयोग खेती में किया जाता है, बागवानी में किया जाता है, होम गार्डन में किया जाता है। जो नीम का तेल होता है उसमें एरोजेक्टिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण कीटनाशक के गुण होते हैं, फंगिसाइड के भी गुण पाए जाते हैं। इसकी जो साधारण नीम का तेल होता है उसमें जो एरोजेक्टिन नाम की जो तत्व होती है उसकी जो मात्रा होती है 0.03, यानी कि 300 ppm बोलते हैं। जो साधारण नीम का तेल होता है, जो देसी नीम का तेल होता है उसमें 300 ppm होता है। आजकल बाजार में आपको 1000 ppm का, 5000 ppm का, 10000 ppm का तेल मिलता है, नीम का तेल मिलता है। तो और उसी के आधार पर, मतलब जो उसके जो एरोजेक्टिन तत्व होते हैं उसी के आधार उसकी ppm निर्धारित किया जाता है। मतलब ppm का जो पूरा फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियम यानी ppm, तो इसी के आधार पर इसकी गुणवत्ता निर्धारित होती है। जो देसी नीम का तेल होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता, पानी में इसको डालते हैं तो ऊपर तैरता रहता है, स्प्रे टंकी में डालेंगे तो उसमें चिपक जाएगा, कुल मिला के इसको प्रयोग नहीं कर सकते देसी नीम के तेल को सीधा डायरेक्ट पानी में। तो इसको घोलने के लिए पहले हम शैम्पू को मिलाते हैं पानी में, तब जाके इसमें नीम का तेल डालते हैं, तब बड़ी आसानी के साथ ये घुल जाता है। तो हम एक टंकी के हिसाब से नीम का तेल का स्प्रे करेंगे, उसी के आधार पर मात्रा लेंगे, उसी के हिसाब से शैम्पू लेंगे, उसी के आधार पर पानी लेते हैं। तो पहले हम 1 लीटर पानी लेते हैं बाल्टी में और इसमें शैम्पू मिलाते हैं। तो 1 लीटर पानी लेते हैं, पहले 1 लीटर का डिब्बा है लमसम, उसी के आधार पर हम पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। अब इसके बाद 2 क्लीनिंग प्लस शैम्पू इसमें हम मिला देते हैं। पहले हमको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें शैम्पू घोलना है, जब शैम्पू घुल जाएगा तब उसमें जाके हम नीम का तेल जितनी मात्रा एक टंकी में लेना होता है उतनी ले लेते हैं। तो 1 लीटर पानी में हमने शैम्पू घोल लिया है। अब इसके बाद हम नीम का तेल लेंगे, इस डब्बे में लमसम 70 से 80 ml एक टंकी के लिए पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं एक टंकी के लिए, उतना भी ठीक रहता है, लेकिन हम 60 से 70 ml लमसम ये ले लिया। अब इस बाल्टी, में नीम का तेल डाल रहे हैं। ये देखिए गाढ़ा बिल्कुल मोबियल की तरह होता है। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ पानी में घुल गया। इसको साथ डायरेक्ट आप पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलता है, शैम्पू मिला के घोलते हैं, बड़ी आसानी के साथ घुल जाता है। अब इसको हम, ये हमने स्प्रे टंकी ली और इसमें हम पहले पानी डालते हैं। जब आधी टंकी पानी से भर जाएगी तब इसमें हम नीम का तेल के जो शैम्पू वाला है उसको ले डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी में घुलनशील हो गया, घुल गया। अब इसके बाद ऊपर से पानी डालते हैं, जितनी बची हुई टंकी है उसमें भर लेते हैं। अब इसको हम खेत में स्प्रे करेंगे। तो अब चलते हैं खेत में, अपने तरबूज के फसल में नीम तेल का स्प्रे कर रहे हैं। और जो स्प्रे करते हैं पेड़ के चारों तरफ से करते हैं, जिससे पेड़ पूरी तरह से भीग जाए। और शुरुआती अवस्था में आप अपनी फसलों में नीम तेल का स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा लाभदायक होगा। नीम के तेल के स्प्रे करने के बाद अब हम जानेंगे नीम के तेल का प्रयोग करने से लाभ क्या होता है। जो नीम का तेल होता है ये सभी प्रकार के कीटों में काम करता है, आपका थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, माहू हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, आपका फल मक्खी होगा, कुल मिला के सभी प्रकार के कीटों में काम करता है और साथ साथ इल्लियों में भी काम करता है। जो रासायनिक प्रोडक्ट होते हैं, आपका जो
होते हैं, तो रस चूसक कीटों के लिए अलग कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, रेड माइट के लिए अलग का प्रयोग करना पड़ेगा और इल्लियों के अलग के लिए प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो नीम का तेल होता है सभी प्रकार के कीटों में काम करता है, इल्लियों में भी काम करता है, तो ये कुल मिलाकर ऑलराउंडर प्रोडक्ट होता है। इसके साथ साथ ये फंजीसाइड का भी काम करता है। आपके जो शुरुआती अवस्था में आपके फसलों में आने वाले जो फंजीसाइड होते हैं उस समय आप नीम के तेल का स्प्रे कर देते तो आपके जो फसलों में जो लगने वाले जो फंगस होते हैं वो दूर हो जाते हैं, साथ साथ जो जमीन में नल भी जो होते हैं आपका जो जड़ गलन समस्या होती है उससे भी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि नीम का तेल एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट होता है। दूसरे लाभ की बात करते हैं तो जो नीम का तेल होता है पर्यावरण के लिए 100% सुरक्षित होता है, किसी भी प्रकार के लाभदायक कीटों को या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो लाभदायक आपके कीट होते हैं मधुमक्खी होते हैं तितली होते हैं केचुआ होते हैं या अन्य जो लाभदायक कीट होते हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मतलब कुल मिला के 100% जैविक प्रोडक्ट होता है। आप रासायनिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं उनमें दोनों में उपयोगी होता है। आपने होम गार्डनिंग कर रखी है या टेरिस गार्डनिंग कर रखी है तो उसके लिए जो नीम का तेल होता है बहुत उपयोगी होता है, तो आप इसका जरूर प्रयोग करिए। तो नीम का तेल होता है उसको आप लगातार जितने मन बचाए उपयोग कर सकते हैं। और रासायनिक प्रोडक्टों की बात करते हैं उनको एक के बाद दोबारा आप प्रयोग करते हैं तो कीट उसके प्रतिरोधक क्षमता बना लेते हैं जिसके कारण वो असर नहीं करता है। लेकिन नीम के तेल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको आप जितनी मन चाहे उतने बार उपयोग करेंगे और उतना ही असर करता है। जितनी पहली बार में करेगा उतना दूसरी बार में या तीसरी बार चौथी बार में प्रयोग कर सकते हैं तो उसके उतना असर दिखाई पड़ता है। इस तरह देखते हैं कि नीम के तेल प्रयोग करने से हमारे फसलों में बहुत से जो कीट होते हैं वो दूर होते हैं, साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। आप होम गार्डन कर रखिए उसके लिए भी बहुत उपयोगी होता है, या रासायनिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं उसके लिए भी उपयोगी होता है। इस तरह नीम का तेल हमारे जो फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम नीम तेल की डोज की बात करते हैं तो प्रति टंकी के हिसाब से इसकी डोज जो रखेंगे, शुरुआती अवस्था में आपकी फसल है उस समय आप इसकी 60 से 70 ml प्रति टंकी के हिसाब से रख सकते हैं। जब आपकी फसल मैच्योर हो जाए उस समय इसकी मात्रा बढ़ाकर आप 100 से 120 ml प्रति टंकी के हिसाब से रखते हैं। इसी तरह आप टेरिस गार्डनिंग का रखें या होम गार्डनिंग के लिए इसकी जो मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से रखेंगे वो 5 से 6 ml, 7 ml प्रति लीटर के हिसाब से रखते हैं। इस तरह इसकी डोज रखेंगे। अब हम नीम के तेल का प्रयोग करने की बात करते हैं, इसको कैसे प्रयोग करेंगे तो इसको पहले हमने बता दिया, स्प्रे करके भी बताया कि इसको कैसे प्रयोग करना है, लेकिन एक बार दोबारा बताते हैं। तो नीम का तेल होता है पानी में घुलनशील नहीं होता, उसको मिलाएंगे तो पानी में ऊपर तैरता रहता है। इसके लिए इसको पानी लेते हैं उसमें शैम्पू मिलाते हैं तब जाके बड़ी आसानी के साथ नीम का तेल घुल जाता है। जैसे आपको एक टंकी नीम के तेल का स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 पुड़िया जो क्लिनिक प्लस शैम्पू आता उसमें मिलाइए घुल लीजिए, तब जाके उसमें नीम का तेल मिलाते हैं बड़ी आसानी के साथ घुल जाता है। अब नीम के तेल पर खरीदने की बात करते हैं तो हमारे गांव के पास है एक जाफरगंज नाम की जगह है, और थाना भी है और कस्बा भी है, वहां पे नीम के तेल का कारखाना लगा है। ऐसे ही आप अपने आसपास कहीं भी नीम के तेल का कारखाना का पता कीजिए, वहां से बड़ी आसानी से आप जितना चाहेंगे नीम का तेल मिल सकता है। उसका रेट जो है 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा बड़ी आसानी से, और नीम का तेल भी ले सकते हैं, नीम की खली भी ले सकते हैं। जाफरगंज नाम की जगह है वहाँ पे आप इसको बड़ी आसानी से लगते हैं। इस तरह देखते हैं कि नीम का तेल प्रयोग करने से हमारी फसल में बहुत से लाभ हैं। हर प्रकार के कीटों में काम करता है, थिप्स में काम करता है, मर्च में काम करता है, एसिड जैसे रस चूसक कीटों में काम करता है और आपका जो फंजीसाइड का भी काम करता है। तो आप भी अपनी खेती में नीम के तेल का उपयोग करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।